देखिए, ये सज्जादिया मिशन करीब 15-20 साल से मजलिसो मातम का सिलसिला जारी किए हुए हैं, और इस जुलूस से, इस मजलिसों से हम सिर्फ यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। नवासे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो करबला में जुल्म हुआ है, उसके एहतजाज के तौर पे ये जुलूस निकाला गया है, और तमाम इंसानियत जो अदल को पसंद करती है, और दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। रसूल फरमाते हैं बरद अल ईमान कुल लहू अल कुफ्र कुल ले। आज कुल का कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। मोहम्मद वाले दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज इस समय हम मालवनी गेट नंबर 5, जहां पर सज्जादिया मिशन द्वारा यहां पर अय्यामे बीबी सकीना सिलसिला मजलिस का आज आखिरी दिन था, और मजलिस के बाद यहां से जुलूस बरामद हुआ, जहां पर जुलजना और ताबूत गहवारा अली असगर निकाला गया। हमारे साथ एडवोकेट फाजिल वकील साहब है, आइए हम उनसे बात करते हैं। वकील साहब, आपका स्वागत है। ये जो कार्यक्रम रखे आपने, इस सिलसिले में आप यहां मालवनी की जनता, हिंदुस्तान की जनता और तमाम आलम इंसानियत को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये सज्जादिया मिशन करीब 15-20 साल से मजलिसो मातम का सिलसिला जारी किए हुए है, और इस जुलूस से, इस मजलिसों से हम सिर्फ यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इंसानियत जो है को कायम रखना हमारी ज़रूरत है, और इंसानियत हमको कहां से मिलेगी? करबला से मिलेगी। करबला में इमाम हुसैन ने जो शहादत दी है, उनकी शहादत को हम याद करते हैं, और जो उनके बच्चों वगैरह को जो ईज़ा पहुंचाई गई है, जो शहीद हुए हैं करबला के 72, उन सब की याद में हम ये जुलूस निकालते हैं। ओके सर, तकरीबन कितने लोग यहाँ पर आए और कितने सालों से जुलूस निकाला जा रहा है? देखिए, ये जुलूस मैंने अभी बताया कि करीब 20 साल हो गए हैं, 20 या 25 साल से करीब, जब से मैं बम्बई में आया हूँ, तरह तरह से इस जुलूस को मैंने कायम करने की कोशिश की है। अब ये जुलूस अपना वो पकड़ लिया है, अपना ट्रेंड पकड़ लिया है। अब हमको कोई इतना इंतज़ामिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आवाम को भी पता लग गया है कि यहाँ पे मजलिसें होती हैं,
और इन मजलिसों को मौलाना तफसीर अब्बास साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में कि इस खुदा को सजदे की ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसमें उन्हें सजदा क्यों वाजिब किया इसको पूरे 5-6 मजलिसों के तहत उन्होंने काफ़ी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मिकदाद मुसू साहब है। मौलाना साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज तेज़ बारिश है फिर भी कसीर तादाद में आज़ादार यहाँ पर आए जुलूस में शिरकत किए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मानव समाज जो इस दुनिया में खुदावंद आलम की तरफ से कल किए गए हैं उनके लिए ये मैसेज है कि हम हर हाल में मानवता को और उसकी सच्चाई को इस संसार में बाकी रखेंगे, शेष रखेंगे, क्योंकि अगर मानवता नहीं होती तो इस संसार को बनाने का कोई मकसद नहीं था। इस संसार को बनाने जब हम आए हैं और इस संसार में रहने के लिए हम आए हैं तो हमारा जीवन सार्थक तभी हो सकता है जब हम करबला की घटना से सबक लें और करबला में हज़रत इमाम हुसैन ने मानवता के लिए वही ऐसे निशानात छोड़े कि वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं और उन्हीं के कारण हम आज अपना जीवन शैली शांति के साथ बिता रहे हैं और बिताते रहेंगे। और यदि हम करबला से सबक नहीं ले सकते क्योंकि करबला का सबक किसी हिंदू के लिए, किसी मुसलमान के लिए, किसी सिख के लिए या किसी और समाज के लिए मखसूस नहीं है, विशेष नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का सबक है, मानवता का सबक है। और मानवता के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपना पूरा घर बार एक ही दिन में लुटा दिया था और उसके साथ साथ उनके साथ आने वाली महिलाओं ने, उनके साथ आने वाली औरतों ने भी देश और दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए वो सब कुछ त्याग दिया कि जिसके लिए इंसान ज़िंदगी गुजारता है और वो तमाम जुल्म और सितम सहे कि जिसके खातिर इंसान अपने आप से भागने लगता है। लेकिन आपने वो मानवता का दिया दर्श हमको, सबक हमको दिया कि जिसके कारण हम उस पर चलकर दुनिया को ये सबक देते हैं कि अगर तुम शांति के साथ जीवन बिताना चाहते हो और एक ईश्वर और अल्लाह में अपना विश्वास रखते हो तो एक ईश्वर और बात के लिए ज़रूरी है कि हम हज़रत इमाम हुसैन को और उनकी घटना को हमेशा और सदैव इसी तरीके से याद करते रहें और दुनिया के सामने बताते रहें कि जालिम कितना भी जुल्म कर ले वो उसका समय अब बहुत करीब आ गया है। ये हो ही नहीं सकता कि मजलूम हमेशा रोता रहे और जालिम हमेशा हंसता रहे। एक दिन अब वो ज़रूर आएगा कि मजलूम मुस्कुराएगा और जालिम अपने सर पर हाथ धर के रोएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मजलूम हमेशा रोए और जालिम हमेशा हंसता रहे। मानवता का सबक अगर लेना है तो करबला की सरजमीन से ही मिलेगा। ये थे हमारे साथ मौलाना मिकदाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इमसाल भी सज्जादिया मिशन की जानिब से जुलूस अज़ा और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत पर मजलिसें बर्पा होती रहती हैं और ये पैगाम हम ये देते हैं पूरे आलम इस्लाम को भी और पूरी दुनिया को भी कि इस मजलिसों से हमें यही सबक मिलता है कि इंसानियत अगर हमें पाई जाती है तो वो फ़क्त फ़क्त करबला से पाई जाती है। तो बस मेरी यही दुआ है इंशाअल्लाह कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इंसान को बेदार तो होने दो तो हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। मौलाना तफसीर अब्बास आब्दी साहब हमारे साथ हैं। वहाँ साहब आप जो मजालिस आपने पढ़ी उसका उनवान बहुत ही अच्छा था, जैसे कि एडवोकेट वकील साहब ने बताया खुदा को सजदे की ज़रूरत ही नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने आज तकरीबन 6 दिन मुसलसल तकरीरें की, मजलिसें पढ़ी, उसमें मेरा कौम के लिए पैगाम यही था कि रसूल से एक शख्स ने पूछा बड़े थोड़े से टाइम में कि या रसूलल्लाह अखबिरनी अन दीन कुल्ले, कि अल्लाह के रसूल आप हमें पूरा दीन बताएं। रसूल ने दो जुमले में पूरा दीन बताया। रसूल फरमाते इताअतुल खालिक व शफ़क़तुल मखलूक,
अल्लाह की इताअत करो, मखलूक के साथ शफ़क़त से पेश आओ, यही पूरा दीन है। अब आप देखिए कि वर्ड जुमला सिर्फ़ एक है, मखलूक के साथ शफ़क़त। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की बनाई हुई हैं, अल्लाह की खलकी हुई हैं, अल्लाह की पैदा की हुई है, और इस्लाम की बुनियाद इस बात के ऊपर है कि आप मखलूक के साथ शफ़क़त से पेश आए, यानी कि आप किसी के ऊपर अत्याचार ना करें, किसी के ऊपर जुल्म ना करें, किसी का हक ना मारें। ये इस्लाम है कि जो इंसानों को दर्स दे रहा है कि अगर आप, अल्लाह कह रहा है कि आप हमारी बारगाह में, हमारे पास अगर एक कामयाब बन करके आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम आपको सुरखुरू करें और हम आपसे राज़ी रहें, तो याद रखिए मेरी इताअत के साथ साथ आपके ऊपर वाजिब ये है कि आप लोगों के ऊपर अत्याचार ना करें, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखें। बस मेरा यही पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मखलूक के साथ शफ़क़त से पेश आना, यही इस्लाम है। मौलाना साहब आप क्या कह रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबियों के सरदार ने, मुसलमानों के रसूल ने यह कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस ज़ात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है कि जो उस वक्त के सबसे बड़े जालिम या दहशतगर्द जो यजीद इब्ने माविया थे, जिन्होंने मदीने को ताराज किया, जिसने सहाबियों को कत्ल करवाया और यहाँ तक कि बात आगे बढ़ी तो जुल्म की इंतहा हुई, तो उस बातिल के ख़िलाफ़ एक शख्सियत खड़ी हुई जिसका नाम हुसैन इब्ने अली था। और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इस्लाम को नहीं बल्कि एक पूरी इंसानियत को बचाया है और करबला के मैदान में जाके अपने सरोतन में जुदाई करा के खैमे में आग लगाई गई, उनके बच्चों को मारा गया, उनकी बच्ची को तमाचे लगाए गए, यहाँ तक कि हद ये हो गई कि उनकी आल के सरों से चादरों को छीनी गई। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि बातिल चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम दुनिया को बताएंगे कि हक क्या है और बातिल क्या है। और इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में गए थे। आज ये जो जुलूस निकल रहा है, जो आज़ादारी हो रही है, बस इसीलिए कि हक क्या है, बातिल क्या है, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मजलूम कौन है और सबसे बड़ा जालिम कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मजलूम कौन है, सबसे बड़ा जालिम कौन है? मौलाना साहब ने एक बहुत ही अच्छी हदीस सुनाई, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं ज़िशार आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। इनकी यादों में निकाला गया है, ये बताइए लोग किस तरह से इसमें साथ और शरीक हो, इस कोशिश की जाती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो करबला में जुल्म हुआ है, उसके एहतजाज के तौर पे ये जुलूस निकाला गया है। और तमाम इंसानियत जो अदल को पसंद करती है और जुल्म से नफरत करती है, उन तमाम लोगों को दावत दी जाती है कि वो इसमें शरीक हों। असल मसला ये है कि लोगों को मालूम नहीं है और लोग इस जानिब मुतवज्जे नहीं हैं, इसलिए इस जुलूस की अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं उसे। हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के फर्जंद हैं, हुसैन नबी मुर्तज़ा के फर्जंद हैं, हुसैन फातिमा ज़हरा के फर्जंद हैं, हुसैन हसन मुस्तफ़ा जैसे भाई के भाई हैं और अज़ीज़ान गिरामी। इसीलिए इनके घर से चला, अब इस चराग को बुझाने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने ये साथ फरमाया, इन्ना हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, मेरा हुसैन मिसबाहे हिदायत है और सफीने निजात है। अब अगर हमको रोशनी चाहिए, अगर हमको दीन चाहिए, तो मत चाहिए कहीं और, करबला में चले आइए। करबला में आपको दीन मिल जाएगा, करबला में आपको आनंद का बारिश बताएगा कि दीन मिल है, करबला में अल्लाह का बारिश बताएगा कि दीन मिल है, करबला में अल्लाह का बारिश बताएगा कि दीन मिल है। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे आलम में जुलजला पर सवार होकर मक्का में आकर हमला किया और आपने इरशाद फरमाया, क्या समझ रहे थे के बराबर सारे पांच सारे काट लिए, अब इसमें दम नहीं, तुमने मेरे
बैठे अली अकबर के सीने पे बख्शी का फल मारा, समझा था कि हुसैन में कुव्वत खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद तारीफ कहती है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब हमला किया तो एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा करबला से कूफे की दीवारों पे जाकर यजीद का लश्कर टकराया। और उसके बाद आवाज आई कि हुसैन हम आपसे अमान चाहते हैं। खुदा की कसम ये मकसद आज भी जारी रहता, लेकिन वो हुसैन जो अल्लाह की मर्जी के लिए जंग कर रहे थे, अल्लाह की इंसानियत को अल्लाह के नस्लों को कायम रखने के लिए जंग कर रहे थे, जब आवाज हम तक नहीं थी क्या आयत कहना सुनता है तो चाहिए इलाहत का राजियत मनाया ये नफ्से मुतमाइना अपने लब की तरफ पलटा इशारत में मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो गया। आज सारी दुनिया इस बात का सहारा सुन रही है कि फला को रजी अल्लाह कहो, फला को रजी अल्लाह कहो। अरे क्यों नहीं आते हुसैन के कदमों में कि जिसके लिए खुदा ये आवाज दे रहा है राजियत मर्जिया, ये हुसैन मैं तुझसे राजी हो गया, अब तू भी मुझसे राजी हो जा, मेरी जन्नत में आ जा, मेरा बंदा बन जा। बड़ी मशक्कत होती है बच्चे, बड़ी नाम के लिए